देश भर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कहीं हो रही तेज बारिश और उफनती नदियां रोजाना किसी न किसी को अपना शिकार बना रही हैं। वहीं गुजरात के चलते हालात भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वहां आई बाढ़ के चलते मरने वालों की तादाद 224 तक पहुंच गई है। बता दें कि 224 मृत में से 116 लोगों को सरकारी मुआवजा भी दिया जा चुका है। गुजरात सरकार के आपातकाल विभाग के मुताबिक गुजरात के कुल 203 बांध में से 39 बांध पूरी तरह भर चुके हैं और 15 बांध 90% भर चुके हैं। वहीं बारिश के चलते राजस्थान के भी हालात ठीक नहीं है। बीकानेर में भारी बारिश के कारण कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, साथ ही कई ट्रेन के रास्ते बदल दिए गए हैं। चंबल नदी भी अपने उफान पर है। इसके साथ ही कई इलाकों में घर ध्वस्त हो गए हैं, घर पूरी तरह से टूट गए हैं। इसके चलते लोग अब पुराने घरों में रहने से डरने लगे हैं। बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही जिलों में पिछले एक सप्ताह के दौरान भारी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सभी जिलों में जिला प्रशासन, सेना, NDRF, SDRF के लोग राहत कार्य में जुटे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए गुवाहाटी पहुंचे। पीएम ने यहां असम के मुख्यमंत्री के अलावा पूर्वोत्तर के कई मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। बता दें कि इसके पहले सोमवार को ही पीएम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। वहीं असम में ज्यादातर नदियों के खतरे के निशान से नीचे बहने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन होजाई में एक व्यक्ति के डूबने से राज्य में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 83 हो गई। हरिद्वार में गंगा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बारिश होने के कारण हरिद्वार में गंगा 293.20 मीटर पर चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। हर पल सच्ची खबर के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करें।